बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज़ प्रवचन देते थे जिन्हें सुनने के लिए काफ़ी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने के लिए एक लड़का रोज आया करता था। वह गौतम बुद्ध की सारे बातें ध्यान से सुना करता था। काफ़ी दिनों तक वह प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा, मैं प्रवचन तो रोज़ सुन रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। बुद्ध ने अपने प्रवचन के बीच में रोक कर उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने अपने प्रश्न पूछा, कहाँ रहते हो? लड़का बोला, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों को उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर प्रश्न पूछा, यहाँ कैसे आते हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूँ तो कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वहाँ लड़का और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए और लड़के ने कहा, यह कैसे संभव है तथागत, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता, इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बातों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएंगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं, इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। तो दोस्तों, सत्संग से तात्पर्य है कि हम किसी के अच्छे विचारों को, किसी के अच्छे गुणों को सुन सकते हैं और उसे सुनने ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में भी समाहित करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं इसे कुछ इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।